9 बजे से गायब है। कब से? 9 बजे दिन से, कल ठीक। उसके बाद हमने 2-3 घंटा सोचे कि हम मेरा बेटा को खेल रहा है अगल बगल आस पड़ोस। जब मेरा बेटा घर नहीं वापस आया, हम बेटा को ढूंढने लगे। उसके बाद अगल बगल हम ढूंढे, नहीं मिला। अगल बगल गांव हम छानने लिए गाड़ी लेकर हम छाने, कहो नहीं बेटा पता चला। उसके बाद मेरा बेटा हत्या करके छुरा मार कर वो गिरा दिया गया। कहाँ? नदी में। स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास गए थे आप? हाँ, स्थानीय पुलिस के पास गए थे। वहाँ वो हम गाली गलौज करके वह कहा कि मेरे लंड पर बच्चा है, वह आता अगर मेरा बच्चा यहाँ छानबीन करता तो मेरा बेटा अवश्य पकड़ा जाता। किसने इस तरह की बात कही आपसे? कौन बोला था ये अब शब्द आपको? मेरे सहयोगी लोग जो गए थे प्रशासन के यहाँ, उन्हीं को साथ ये वातावरण किया गया। परिहारा थाना? परिहारा थाना। क्या परिहारा थाने की पुलिस ने बोली आपको? बोला कि मेरे लंड पर बच्चा है तो हमको हरदम परेशान कर रहा है, जाओ ढूंढने के लिए, जाओ ढूंढो। क्या लगता है आपके बेटे की जो हत्या हुई है कैसे की गई है, क्या हुआ है? मेरे बेटे को हत्या जानबूझकर कर दिया गया है। बॉडी देखने से क्या लगता है? बॉडी देखने से लगता है मेरा बेटा को हत्या किया गया। बॉडी पे फोड़ा भी दिख रहा है? फोड़ा उसको एसिड डाला गया है, फोड़ा पर शरीर पर उसको एसिड देकर उसके बाद आँख में एसिड दे दिया, नाक में भी एसिड दिया, मुंह भी एसिड डाल दिया है, पूरा शरीर भी एसिड डाल दिया है। अगर स्थानीय पुलिस अगर सक्रिय हो जाती तो आपके बच्चे की जान बच सकती थी? अगर स्थानीय पुलिस सक्रिय हो जाती, सारे छापामारी करते, मेरा अगल बगल भी बच्चा पकड़ा जाता। क्या लगता है स्थानीय पुलिस की लापरवाही है? स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण हत्या हुई है। क्या ना तुम मिल है, मेरे गांव का है, कुछ लोग अगल बगल के भी हैं। हम इस पर हम दायर करेंगे, मेरा सारा नज़र में है, मेरा बेटा को हत्या किया गया है। कैसे पता चला था? पता चला कि मेरे बेटा 8-9 के बीच में पत्र गाड़ी आया, उसी दरमियान मेरा बेटा थोड़ा उसी दरमियान सरकार से की मांग करे छो? हमें मांग करे छो सरकार से, एक मिनट जी, हमरा नौती के इंसाफ चाहिए, आ कुत्ता आवे के चाहिए। कुत्ता जने जने जाए ओकरा घर ढुक के, ओकरा घर ढुक के ओ मारे वाला के निकाले, ओकरा हमरा फांसी पर लटकाए दिए। केना गए बोले दुनु बउवा केना आए गए? हे ये ठिंढा बाबू दूरा पर गाड़ी में, गाड़ी में लटकल रहा दोनों बच्चा को उतार दल का, वो दोनों बच्चा फिर उन्हें गया, वही अंगना से पिछवाड़े पिछवाड़े पार। हमरा अपने गांव को 9 बजे चमरा 9 बजे तब सांझ में हमरा बेटा का दान पी के बोले दो, मार दो हमरा बेटा का बोले दो। केना पुलिस के पास है तो पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला हमरा लौरा पर है तेरा बच्चा। क्या बोला पुलिस? पुलिस बोला लौरा पर है मेरा बच्चा, तेरा बच्चा लौरा पर मेरा रखल है, ओकरा घूस दल का। केना पता चल रहे बउआ अपना दोनों वहाँ से केना पता चल रहे? मगर हमरा नैत के सकलो देखा एगो भसंग माय दुगो बेटा, मगर गांव में हमरा देखा देल पसको। आ ओकरा दरोगो के सस्पेंड चाहिए, आ कुत्ता सीआरपी नन के जे मारले क ओकरो हम मर्डर कर देब। ओ बेटा मर्डर कर के तहे जिंदगी में हम छोड़ब। ओ बेटा इंसाफ हमरा दिलाए दे बेटा, हमर सनातन के बेटा चल गेल, हमको सभा देवी घर हंसारी जिला सहरसा पोस्ट कोपरिया हमरा एक नाम बिला से नानी हो गए ना? हां बच्चा के नानी है। हां बच्चा के नानी है। 9:30 बजे ये चमराही गांव जो है बकरी परिहारा थाना में पड़ता है, वहाँ से 2 बच्चे के लापता होने की सूचना मिली, जिसमें हर्षराज लगभग उम्र उसका 11 वर्ष का है, पिता जो है राम ज्ञान महतो, हिमांशु कुमार उम्र 6 वर्ष, सूर्य नारायण महतो, 2 बच्चों के लापता होने की खबर मिली थी पुलिस को, जिसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे उसका, जिसमें जो है बच्चे का दोनों बच्चे का जो है बॉडी सब का रिकवरी जो है बूढ़ी गंडक नदी जो है चमराही घाट से किया गया है आज 17 तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास, जिसमें परिजनों का आरोप है कि इसमें बच्चों को जो है हत्या करके उसके लाश को गंजन में फेंका गया है। अभी शव का जो पोस्टमार्टम ग्रुप के लिए हम लोग जो है बेगूसराय सदर अस्पताल में भेज दिए हैं, रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो पाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। सर प्रथम दृष्टिया में क्या लग रहा है मामला? सर प्रथम दृष्टिया सब लोग का आरोप तो यही है कि हत्या करके फेंकी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना सही होगा। सर बॉडी पे भी सर चोट का निशान है और ऐसा कहा जा रहा है कि सर एसिड डाला गया है शरीर में, प्रथम दृष्टि देखने से ऐसा लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा।
ठीक, थैंक यू सर।